सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ज्ञान से भारत महान बना है। इसकी मिसाल और प्रमाण बिहार के नालंदा में मौजूद है, जहां आज से 1500 साल पहले दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जिसमें दुनिया भर के देशों से विद्यार्थी पढ़ने पहुंचते थे। सोचिए कि जिस दौर में कोई ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज को जानता भी नहीं था, तब हम दुनिया के कई देशों से आए छात्रों को शिक्षित कर रहे थे। एक ओर बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियां हैं, तो दूसरी ओर कहीं विशाल धार का मरुस्थल, कल कल बहती नदियां हैं, तो सबसे ज्यादा बरसात वाली घाटी भी। यहां बेहद घने जंगल हैं, तो देश की तीनों दिशाओं में फैला समुद्र भी। ऋतुओं के बदलने पर लगता है खुशियों का मेला, दुनिया में सबसे अनूठा देश है मेरा, देश है मेरा। अपने महान देश का अभिमान, जी हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड से 700 साल पहले इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी से 500 साल पहले काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से 400 साल पहले भारत के नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवमयी इतिहास। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक भारत में था, ठीक वैसे ही जैसे आज की यूनिवर्सिटीज होती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है, जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों से छात्र पढ़ने पहुंचते हैं, वैसे ही आज से 1500 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी। और ये सब कुछ हमारे हिंदुस्तान में था, यानी भारत के शिक्षा का बोलबाला पूरी दुनिया में था। दूर दराज से छात्र आते थे, यहीं रहते थे, भारतीय संस्कृति सभ्यता के दर्शन करते थे और अपने देश पहुंचकर उनका प्रसार करते थे। जो इतिहास हम बता रहे हैं वो सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि उसके प्रमाण भी मौजूद हैं। बिहार के नालंदा में उस गौरवमयी विश्वविद्यालय के अवशेष मिले तो दुनिया ने भारत के ज्ञान का लोहा माना। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। नालंदा के विश्वविद्यालय में 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों के छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। विश्व के सारे कोनों से आकर के तो पढ़ सकते हैं, ऐसी परंपरा भारत में ही रही है। स्टूडेंट विद्यार्थी अपने हिसाब से, अपने व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर प्रवेश ले सकता था और अपनी गूढ़ता, अपनी रुचि के अनुसार गूढ़ विषय का पारंगत हो सकता था। नालंदा विश्वविद्यालय 7 मील लंबी और 3 मील चौड़ी भूमि में फैला हुआ था, किंतु केवल 1 वर्ग मील में ही इसकी खुदाई का काम हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के 2 भाग मिले। एक भाग में हॉस्टल था और दूसरे भाग में भगवान बुद्ध के मंदिर मिले। 11 बौद्ध विहार एक लाइन में मिले, अब इन्हें 11 ब्लॉक कहते हैं। इनकी 2 मंजिलें नीचे दबी हुई हैं। तल पर पहली मंजिल गुप्त काल की है, 7वीं शताब्दी में पहली मंजिल को ढककर दूसरी मंजिल राजा हर्षवर्धन ने बनवाई थी और दूसरी मंजिल को ढककर राजा देवपाल ने तीसरी मंजिल बनवाई थी। प्रत्येक ब्लॉक में एक लेक्चर हॉल था जहां आचार्य पढ़ाते थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष
और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। उसने धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं पर भी अत्याचार किया। 12वीं शताब्दी के पश्चात के अंत के आते आते बख्तियारुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको एक मुख्य रूप से नष्ट किया गया और उसको इसके बाद विश्वविद्यालय अपने आप में स्वतः समाप्त हो गया। अगर वो होता तो क्या होता, तो निश्चित रूप से ये विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय होता और देश के लिए एक सो कहते हैं कि एकेडमिक लीडरशिप देता, एक शैक्षिक नेतृत्व देता, जो केवल इस देश के लिए ही नहीं संपूर्ण एशिया और संपूर्ण विश्व के लिए कारगर होती। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं ली जाती थी और उनको खाना पीना भी मुफ्त दिया जाता था। चीनी यात्री हवांग यांग ने कहा था, नालंदा के विद्यार्थियों को खाने पीने के लिए भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती थी। हवांग यांग के बाद इतिसंग 673 ईस्वी में भारत पहुंचा था। उसने भी कई वर्ष तक नालंदा में विद्या ग्रहण की थी। साल 1812 में बड़ा गांव में, जहां नालंदा खंडहर है, वहां कुछ ब्राह्मण मूर्तियां और कुछ बौद्ध मूर्तियां मिली। पुरातत्व विभाग ने इन्हें नालंदा से संबंधित बताया। 20 साल तक पुरातत्व विभाग ने भी वहां खुदाई कराई, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का पता चला और तब जाकर सामने आया भारत का गौरवशाली ज्ञान, जिसका अनुसरण पूरे विश्व ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।